जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ समय पहले एनआईए ने परमबीर सिंह को एंटीलिया केस में विटनेस बना लिया था, जिसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनआईए के द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। सिर्फ एक बार वो ईडी के सामने अपनी प्रस्तुति देने गया था, अपनी उपस्थिति देने गया था, जिसके बाद आज तक वो खुला घूम रहा है। ना ही उससे सीबीआई ने पूछताछ की, ना ही उससे एनआईए ने दोबारा पूछताछ की, और उसको खुला छोड़ दिया जैसे कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। ऐसा ही दोबारा दोहराया जा रहा है। इस बार ये हो रहा है सचिन वाजे के साथ। सचिन वाजे को अनिल देशमुख के करप्शन केस में सीबीआई विटनेस बनाने के लिए प्रोसीजर शुरू कर चुकी है, जिसमें उसने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि अनिल देशमुख के खिलाफ हम सचिन वाजे को विटनेस बनाना चाहते हैं, जिसमें ये गवाही देगा अनिल देशमुख के खिलाफ और उसके काले कारनामे, उसके काले चिट्ठे खोलेगा। अब इस चीज को हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जिसको अक्यूज्ड से विटनेस में कन्वर्ट किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परमवीर सिंह एक जीवंत उदाहरण है। अब अगर सचिन वाजे को भी कोर्ट इसकी अनुमति दे देता है कि आप अप्रूवर बन जाइए, तो हम किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि वो अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करेगा और सब सच ही बोलेगा। मतलब पहले क्या हो रहा था कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे मिलके फंसा रहे थे परमबीर सिंह को। उसके बाद परमबीर सिंह अलग हो गया, अनिल देशमुख अलग हो गया, सचिन वाजे अलग हो गया। अब ये सचिन वाजे अनिल देशमुख के खिलाफ अप्रूवर बनना चाह रहा है, उसके खिलाफ विटनेस बनना चाह रहा है, और ये मिलके फंसाएगा अनिल देशमुख को। तो ये लोग अपने अपने आप को बचाने का तो पूरा प्रयास करेंगे, इस बात की तो गारंटी है। और सचिन वाजे के अप्रूवर बनने से एक ये भी बात होगी कि सीबीआई फिर सुशांत वाली सीबीआई इससे पूछताछ नहीं करेगी, जो कि इसने अभी तक नहीं की है। ना ही सचिन वाजे से पूछताछ की, ना ही परमबीर सिंह से, जबकि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो अब जब ये विटनेस बन जाएगा सीबीआई के लिए, तो किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत केस पे उसको पूछताछ करेगी। इस सीबीआई ने, सुशांत वाली सीबीआई ने तो अब तक परमबीर सिंह से पूछताछ नहीं की, जो तो राज खोलने के लिए बैठा था जब ये दोनों मिलके उसके विरुद्ध हो गए थे, उससे इन लोगों ने पूछताछ नहीं की। ये सीबीआई अभी तक सो रही है। अनिल देशमुख के करप्शन केस वाली सीबीआई इसको विटनेस बनाने चल दी है। एनआईए ने एंटीलिया केस में परमबीर सिंह को विटनेस बना दिया। अनिल देशमुख अब तक जेल में सड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक न्याय नहीं मिला। अब जब ये विटनेस बन जाएगा, तो हम इसके बाद तो उम्मीद नहीं कर सकते कि सुशांत वाली सीबीआई, जो कि सो चुकी है, भूल चुकी है कि उसके पास सुशांत नाम का कोई केस भी है, ना ही अपडेट दे रही, ना ही कुछ कर रही है। आरटीआई लगाओ तो एक रटा रटा जवाब आ जाता है कि हम हर एस्पेक्ट पे जांच कर रहे हैं। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सचिन वाजे को उठा के उससे पूछताछ करेगी, जबकि इसने अब तक नहीं की। इस सीबीआई ने सिर्फ 2020 में रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, नीरज केशव, इन सबसे पूछताछ की है, लेकिन जो मेन है, जिनके अंडर में सब काम करवाया गया, जिसके सर्वेलेंस में ये सब काम हुआ, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, इन सबको इस बात का पता था। और सचिन वाजे तो लिप्त है सुशांत के मर्डर में, हम सबने अच्छी तरीके से इस पर बात की है, इस पर क्लैरिटी दी है। उसके बाद भी सीबीआई के कान पे जू नहीं रहेंगी, उसने इससे पूछताछ नहीं की, और अब ये करप्शन वाली सीबीआई इसको विटनेस बना रही है। तो एक्चुअल में क्या हम ये समझे कि अगर आपको किसी मुजरिम को बचाना है, जैसा एनआईए के केस में हम देख चुके हैं, तो आप उसको विटनेस बना दोगे? परमबीर सिंह की हालत हम सबने देख ली, खुला घूम रहा है। इसके बाद क्या सचिन वाजे भी खुला घूमेगा? अनिल देशमुख जेल में, उससे सीबीआई कुछ पूछताछ कर नहीं रही है, या जेल के अंदर कर रही होगी, लेकिन वो भी बीमारी का बहाना देके हॉस्पिटल में रहता है। तो क्या माने कि जो भी बचना चाहेगा वो विटनेस बन जाएगा, अप्रूवर बन जाएगा एक व्यक्ति के खिलाफ, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। तो ये वाली जो चीज है, जो सीबीआई का एक आया है कि इसे अप्रूवर बनाना चाहते हैं अनिल देशमुख के खिलाफ, हालांकि अभी कोर्ट से इसे मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये ना हो कि इसका भी हाल परमबीर सिंह वाला हो। इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।